जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमें फिलहाल अहमदाबाद में जस्ट मैंने आश्रम एक्सप्रेस में अपनी एक जर्नी ख़त्म की है एंड टू एंड, जिसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया था। अब बारी है एक और जर्नी की जिसमें हम लोग अहमदाबाद से सोमनाथ तक जाने वाले हैं जो कि लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया है। मैंने सोचा उससे पहले आपको स्टेशन बाहर से कैसा दिखता वगैरह दिखा दूँ, क्योंकि अपने पास सफिशियंट समय है। आश्रम एक्सप्रेस हमारी 6:40 पहुँच गई थी यहाँ पर और अब अगली गाड़ी हमारी 8:25 यानी 8:25 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस। चलिए भाई इस यात्रा को भी शुरू किया जाए, क्योंकि आज भी हम लोग एक डीजल रूट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जल्दी से बाहर चलते हैं, कुछ खाया पिया जाए और आगे की जर्नी शुरू की जाए। अभी ट्रेन को आने में काफ़ी समय है तो सोचा थोड़ा बाहर आ जाया जाए, स्टेशन के स्टॉल्स वगैरह चेक किए जाएँ। खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, पर हाँ सुबह की एक चाय बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेशन में तो अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए स्टेशन के बाहर आ गए। बाकी बाहर से दिखाते हैं आपको कैसा है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है अपना अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आपको झूलती मीनारें रेलवे स्टेशन के बीचों बीच देखने को मिलेगी। और ये है अहमदाबाद की इलेक्ट्रिक बसेस जो कि ज़ीरो मिशन के साथ चलती हैं। और सुविधाओं की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म में आपको जाने के लिए यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे बाहर ही, और यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। यहाँ पे स्टेशन में ही आपको खमण देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फाफड़ा शायद इसे बोलते हैं, फाफड़ा या खाकरा, और साथ में यहाँ पे ये मूँगफली काफ़ी फेमस है ना गुजरात रीजन की, और सैंडविचेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है स्टेशन में। और एज़ ऑलवेज़ पानी हमारी पहली प्रायोरिटी एक ट्रेन जर्नी शुरू करने से पहले। तो भाई यहाँ है अपनी जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस 34। मतलब ट्रेन का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो काफ़ी सही है, मतलब साफ़ सुथरी तो है, मिरर वगैरह भी काफ़ी साफ़ हैं, बाकी चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं चारों पैसेंजर्स के लिए तो चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली आज गाड़ी में, और थोड़ी खाली है ट्रेन आज। हाँ बिल्कुल 8:25 हमारी ट्रेन निकल गई थी अहमदाबाद जंक्शन से। एक और डीजल ट्रेन जर्नी, मतलब ये सभी रूट्स धीरे धीरे इलेक्ट्रिफाई हो रहे हैं और मैं चाहता था कि इससे पहले आपके लिए मैं कवर करके रख लूँ भाई, ताकि यादें जो है ना हमेशा बनी रह सकें मेरे साथ भी और आपके साथ भी। मतलब भरपूर रेल फैनिंग आप लोग एंजॉय करेंगे मेरे साथ इसमें। दोस्तों ये जो रूट है इसमें काम चल रहा है और यही लाइन उदयपुर की ओर जाने वाली है फ्यूचर में। अब इसमें काम जोरों शोरों चल रहा है, हिम्मत नगर तक तो वैसे रूट भी बन गया, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का जब काम हो जाएगा पूरा प्रॉपरली और ट्रैक्स अच्छे से बिछ जाएंगे तब यहाँ पर उदयपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। पहले ये रूट मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था, एक्चुअली अहमदाबाद तो एक बहुत बड़ा हब था मीटर गेज ट्रेन के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली, और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। संदीप भाई बताइए क्या स्पेशल है आज? देखो दिवाली में आपने मिठाइयां और पटाखे बांटी थी बैंगलोर में, तो मैंने तो चलो यार इस बार
एक और फेस्टिवल आ रहा है होली होली, आ बनारस में। होली बनारस में खेलते हैं और रंग बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं और खुशियां बांटते हैं लोगों के बीच में। एंड थैंक्स अ लॉट बिनोमो इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और चलिए जल्दी से चलते हैं और चलिए मिठाई वगैरह बांटी जाए लोगों में। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ और कलर्स ले लिए हैं, बहुत सारी मिठाई ली, कलर्स ली, और कलर्स हमने जो है ना वो ऑर्गेनिक कलर लिया हुआ है। भाई देखो होली खेलो लेकिन ऑर्गेनिक कलर से खेलो, थोड़े महंगे आते हैं लेकिन आपको केमिकल से बचाते हैं, आपको जो रिएक्शन होते हैं ना वो अच्छे, मतलब कि उससे बचाते हैं आपको, तो ऑर्गेनिक कलर ही लो अच्छा रहता है, मतलब कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कुछ दोस्तों और जरूरतमंदों के साथ अपनी होली को मना करके हम लोग वापस घर आ चुके हैं। और मतलब काफ़ी लंबा दिन था, 6-7 घंटे इसी में लग गए और मिठाइयाँ भी हमें खरीदनी पड़ी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो बिनोमो ने स्पॉन्सर किया था और थैंक्स अ लॉट बिनोमो फॉर दिस। बिनोमो एक इंडिया की ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जहाँ से आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में इजिली एंड सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS में दोनों में ईजिली अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिनोमो का जो इंटरफेस है बहुत ईजी है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो यहाँ पे आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट देखने को मिलेगा। जिन लोगों को भाई ट्रेडिंग शुरू करनी है आप लोग डेमो अकाउंट से खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत बार ऑलरेडी ट्रेडिंग किया तो मैं आपको रियल अकाउंट से ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 350 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं। यहाँ पर बस आपको फोरकास्ट करना है, जो ग्राफ है ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो मुझे लगता है अप जाने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ देखते देखते हम लोगों ने 637 रुपीज़ कमा भी लिए हैं। और भाई जितना आसान है यहाँ से अर्निंग करना उतना ही ईजी है यहाँ से अपने बैंक अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में इस मनी को सेफली ट्रांसफ़र करना भी। और साथ ही साथ अगर आप लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मेरे कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 65,000 रुपीज़ आपके डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे जहाँ से आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। जॉइन द ह्यूज कम्युनिटी ऑफ बिनोमिस्ट इन इंडिया नाउ। आई एम द बिनोमिस्ट, आर यू? साफ पानी लग रहा है, नर्मदा ब्रांच नहर। दोस्तों जो लाइन आप सामने की ओर देख रहे हैं ये आ रही है महेसणा जंक्शन से और ये सीधा मिल जाती है वीरमगाम जंक्शन से अपनी लाइन पे। आला हजरत एक्सप्रेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बरेली भुज, वो इसी लाइन से आती है। वो अहमदाबाद नहीं जाती है रिवर्सल वगैरह के लिए, वो सीधा शॉर्टकट महेसणा से इसी लाइन से होते हुए सीधा वीरमगाम जंक्शन में आके मिल जाती है। मतलब यहाँ स्टेशन में भी फाफड़े अवेलेबल हैं वीरमगाम जंक्शन में। दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच गए वीरमगाम जंक्शन। 9:22 का अपना अराइवल था, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है इसलिए ज़्यादा समय अपने पास है नहीं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जामनगर से वडोदरा जाने वाली इंटरसिटी की अनाउंसमेंट भी हो गई है। खाना पीना हम लोग कुछ अहमदाबाद से लेकर चले थे, अपने भाविन भाई लेकर के आए थे और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बाहर से पैक कराई थी ताकि आपको गुजरात का थोड़ा लोकल फूड दिखा सके, एक्सप्लोर करवा सके। वीरमगाम जंक्शन में भी वैसे स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं जर्नी के दौरान। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे और दूसरी तरफ आने वाली ट्रेन भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग उतरे हैं भाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी। ट्रेन नंबर 11464 अपनी जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो कि नॉन सुपरफास्ट है उससे इतने सारे लोग आएंगे। वीरमगाम में हमारे एक मित्र हमेशा मिलने आते थे पर आज नहीं आ पाए वो, वरना उनके पूरा दोस्तों का गैंग आता था मिलने। अपनी जो सब्सक्राइबर फैमिली वो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं और उनसे दोस्ती हो जाती है स्टेशन्स में। ऐसे ही वीरमगाम में भी अपने दोस्त लोग आया करते थे, उनसे व्हाट्सएप पे बातें हुई और फिर दोस्ती भी हो गई अच्छी खासी, उनका पूरा ग्रुप आता था भाई का। और फिलहाल अपनी ट्रेन खैर वीरमगाम जंक्शन से निकल चुकी है लेकिन इंस्टा में ज़रूर पोस्ट करूँगा आज की जर्नी डिटेल भी। इंस्टा इज़ द ट्रेन गुरु, पोस्ट करते हैं देखते हैं कि लोगों को ये सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस, यह जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस कितनी पसंद है।
दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए गुजराती ब्रेकफास्ट अपना तैयार है। यहाँ गाठिया है, थोड़ी जलेबियाँ और साथ में ये पपीते का बनाया जाता है और उसके साथ चिलीज भी हैं। और यहाँ भाभीन भाई के घर से आया हुआ टेस्टी सा पोहा, चलिए जल्दी से चीज़ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ संदीप भाई की सबसे फेवरेट चीज़ गाठिया भी है। संदीप भाई कैसा लग रहा है? बिल्कुल गर्मा गर्म पैक हुए थे लेकिन हल्का सा मॉइस्चर, थोड़ा मॉइस्चर आ गया क्योंकि हमने एकदम गर्मा गर्म पैक करवाए थे ताज़े बनवा कर, पर कोई नहीं खुला रहेगा थोड़ा ठीक हो जाएगा स्वाद। बाकी ये पपीते वाला मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार, लोगों को यहाँ काफ़ी पसंद है, बहुत खाते हैं, हेल्दी है लेकिन अपने लिए कुछ नया। पहले तो मुझे लगा ये मूली का बना हुआ है, बाद में कुछ दिन बाद जब दोस्तों ने बताया था पता चला पपीते का। बाकी जलेबी अपना फेवरेट आइटम भी है और भाविन भाई के घर से आई हुई पोहा भी है। थैंक्स लॉट भाई जो आपने सुबह सुबह हम लोग के लिए नाश्ता पहुंचाया। घर का खाना तो घर का ही होता है भाई, सच में बहुत ही टेस्टी बनाया, थैंक यू वंस अगेन। चलिए दोस्तों जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, सुरेंद्रनगर जंक्शन अब थोड़ी देर में आने वाला है। कुछ ऐसी लगती है दो मंजिला मालगाड़ी। और ये भावनगर वाली लाइन आकर के मिल चुकी है अपनी वीरमगाम ओखा लाइन यानी वीरमगाम राजकोट लाइन से। देखिए हाई राइज पेंटो कैसे काम करता है, कितना हाइट तक पेंटोग्राफ को उठाया जाता है हाई राइज पेंटो में ताकि डबल स्टैक्स कंटेनर वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी पुल कर सके। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सुरेंद्र नगर जंक्शन, SUNRS का कोड है। अपना अराइवल टाइम था यहाँ पे 10:31 का, 10:20 ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई, अच्छा खासा सफिशेंट टाइम है। यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह जो लोग ब्रेक लेना चाहें ले सकते हैं। भावनगर वाली जो लाइन है वो मैंने आप लोगों को यहीं पे दिखा दिया अराइवल पे, इसीलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। बड़ा जंक्शन है यहाँ पे, आपको मतलब कोई दिक्कत वगैरह होगी नहीं अगर आएंगे तो, खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह हैं, लोग यहीं पे पानी वगैरह भी भर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना सफिशेंट टाइम है तो आपको लोकोमोटिव दिखा दिया जाए। तो गाइस ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव आज का WDP 4D, यही हमें आज के सफर में लेकर जा रहा है। दोस्तों यहाँ बिल्कुल राइट टाइम हम लोग सुरेंद्रनगर से भी छूट चुके हैं अभी। आपको पता है इसे ब्रिटिश जमाने से ही एक हिल स्टेशन की तरह यूज किया जा रहा था सुरेंद्रनगर जगह को। पता है इसकी जो ड्राई हवा है ना, अपनी ड्राई हवा के लिए मशहूर है और यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स वगैरह है ना उनके लिए आज भी ये बेस्ट जगह, उनका ट्रीटमेंट यहीं पे होता है क्योंकि यहाँ की जो ड्राई हवा है उनके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मेरे को एक नई अनोखी चीज़ जानने को मिली, मैं सोचा आप लोग से भी शेयर किया जाए क्योंकि हो सकता है आपके आसपास किसी की तबीयत ख़राब है जिसकी आप मदद करना चाहें, तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा सुरेंद्रनगर के बारे में। डीजल लोको शेड गांधीधाम WDG 4G लोकोमोटिव। यहाँ कपास की खेती भी काफी ज्यादा की जा रही है।
यहाँ से अपना डिवीज़न चेंज होता है और हम लोग अब आ चुके हैं राजकोट डिवीज़न के अंदर। अभी हम लोग वांकानेर के आउटर में हैं, डिवीज़न चेंज तो जस्ट हुआ ही, पर मैं आप लोगों को बता दूँ गर्मी जो है ना वो काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग उत्तर भारत से आ रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी ठंड है, और यहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी है ना कि जैकेट तो आप पहन ही नहीं सकते। वेरावल तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस जियो सिलीगुड़ी में एर्नाकुलम शेड का अपना लोकोमोटिव, और यहाँ हम लोग वांकानेर जंक्शन पहुँच रहे हैं। वेरावल तिरुवनंतपुरम से क्रॉसिंग भी हुई अपनी यहीं पर। वांकानेर स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, पेड़ लगाए गए बीच में, ये अच्छी चीज़ है, वरना गर्मी में तो यहाँ लोगों का बेहाल, मतलब गर्मी से बुरा हाल हो जाता। कम से कम चैन से भी पेड़ों के नीचे लोग बैठ तो सकते हैं। दोस्तों यहाँ 11:45 को अपना टाइम था वांकानेर जंक्शन आने का, पर यहाँ हम लोग थोड़ा पहले ही आ चुके समय से 11:40। वैसे 2 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है, पर आज अपने पास सफिशेंट हॉल्ट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वांकानेर से एक लाइन भुज की ओर गई हुई है, दूसरी मलिया मियाना वाली लाइन आप लोग को पता ही होगी, और तीसरी लाइन मोरवी वाली लाइन, और चौथी वीरमगाम वाली लाइन से हम लोग आ ही रहे हैं और बढ़ रहे हैं राजकोट वाली लाइन की ओर। राजकोट डिवीज़न अब लग चुका है, अहमदाबाद डिवीज़न ख़त्म हो गया। तो बाकी ओवरऑल ये जो स्टेशन है काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे चाय, स्नैक्स, पूरी सब्जी, समोसे, पानी, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ संदीप भाई हमारे चाय भी लिया है। दोस्तों वांकानेर की चाय तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव का बहुत ही बड़ा शेड हुआ करता था, इनफैक्ट एक रोटेटिंग टेबल भी हुआ करती थी, जो कि खैर अब नहीं है, पर स्टीम लोकोमोटिव्स और अगर मीटर गेज ट्रेन्स की बात की जाए तो बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था ये। उस ज़माने में तो भाई अलग ही रंग थे इसके। खैर अभी भी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है देखने में भी, और बढ़िया लग रहा है, डिपार्चर पे कर भी आपको देखने को मिलेगा, पर हाँ मिड गेज ट्रेन्स की याद तो आती ही है। 2.5 घंटा लेट शालीमार ओखा एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है अभी वांकानेर जंक्शन में। तो आगे WDM 3D भी लगा हुआ है जो कि चल नहीं रहा है, शायद फेल लोकोमोटिव होगा। शालीमार यानी हावड़ा से आने वाली ओखा तक जाने वाली एक्सप्रेस हमें यहाँ ओवरटेक कर रही है। दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखिए मैं वहाँ भी जर्नी अपडेट देता हूँ, स्टडी द ट्रेन गुरु। और ये देखिए आज की वांकानेर की फोटो, ऐसे आप भी मुझसे मिल सकते हैं। और यहाँ वांकानेर जंक्शन से भी हम लोग थोड़े से हॉल्ट के बाद रुक चुके हैं, अब शालीमार ओखा तो हमें ओवरटेक करके चली गई, तो चलिए इस सफ़र को, पर चलिए खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते हैं। अभी राजकोट आएगा, अब धीरे धीरे करके ऐसे हम लोग जूनागढ़ वगैरह होते हुए सोमनाथ पहुँच जाएंगे शाम तक। तो दोस्तों इसी खूबसूरत कर की मैं बात कर रहा था जो वांकानेर जंक्शन के आउटर पे देखने को मिलता है। जब हम लोग यहाँ राजकोट दुरंतो से आए थे तब यहाँ पे ना इलेक्ट्रिफिकेशन था ना कुछ, और सेमाफोर सिग्नल्स थे। अब तो डिजिटल सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तब सेमाफोर सिग्नल्स भी थे। जिन लोगों ने भाई मेरी राजकोट दुरंतो वाली जर्नी नहीं देखी है, देख लेना, ICF राजधानी के कोचेस में वो जर्नी थी और बहुत ही कमाल की थी, पुरानी यादें ताज़े हो जाएंगी आपकी।
वांकानेर से निकलते हैं भाई, यहाँ विंड मिल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा जरिया है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का। यहाँ पॉसिबल है इसलिए विंड मिल्स बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक नहीं दोनों तरफ ही ट्रैक्स के। सोमनाथ अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, सेमाफोर सिग्नल्स अब जल्दी ये भी हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो डिजिटल सिग्नल ले लेंगे। राजकोट से थोड़ा ही दूर पहले हम लोग रुक चुके हैं अभी बिलेश्वर नाम के रेलवे स्टेशन में, और हो सकता है सिंगल लाइन क्रॉसिंग हो यहाँ पे, क्योंकि भाई सिंगल लाइन रूट है। मैं इस रूट में इसीलिए आया था ताकि आपको वो जो एक्सपीरियंस फ्यूचर में आप लोग मिस करने वाले हो, यानी सेमाफोर सिग्नल्स जो आपने देखे बहुत ही पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इंडिया की ओल्ड टेक्निक है सिग्नलिंग की, अब धीरे धीरे डिजिटल सिग्नल से रिप्लेस हो रही, वो तो खैर अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को भी आप लोग रूट्स में मिस करेंगे। तो वही सब चीज़ें एक्सप्लोर करने कवर करने आप लोग के लिए मैं आया था इस रूट पे, और मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इन चीज़ों के लास्ट दिनों में मैं इन्हें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर पा रहा हूँ। बाकी गर्मी कैसी है उसका अंदाज़ा आप वातावरण से लगा सकते हो, लेकिन हाँ इस पेड़ के नीचे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी सिंगल लाइन रूट्स में मज़ा बहुत आता है, मतलब ऐसी ट्रेन से लेकर राजधानी शताब्दी सब ट्रेन का तो अलग मज़ा है खैर, पर जब सोमनाथ जबलपुर जैसी ट्रेनें होती हैं ना सच में बहुत मज़ा आता है। अभी सिंगल लाइन रूट है, यहाँ मस्ती से हम एक स्टेशन में उतरे हैं, सिंगल लाइन जब एक ट्रेन निकलेगी उसके बाद अपनी ट्रेन को छोड़ा जाएगा, तब तक यहाँ पे ऐसे ही हम लोग टहल सकते हैं चिल कर सकते हैं। बाकी खाना पीना तो अपना हो ही गया, आप लोगों ने देखा ही था, थोड़ा ट्रेडिशनल फूड गुजरात का ट्राई किया हम लोगों ने, चमचमाते कोचर के साथ खड़ी हैं जबलपुर एक्सप्रेस। इसे काली नदी कहूँ या काला नाला कहूँ, पर हम लोग अब पहुँच रहे हैं राजकोट रेलवे स्टेशन।
पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस। अभी आपने इससे पहले शालीमार ओखा की क्रॉसिंग देखी थी, अभी यहाँ पे शालीमार के लिए जाने वाली पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस भी खड़ी है। दोस्तों 12:43 का अपना टाइम था राजकोट का, लेकिन आधे घंटे के डिले के साथ 1:25 पे हम लोग यहाँ पहुँचे। हाँ हाँ हो गया, पर अपना डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, मात्र 5 मिनट रुकी है गाड़ी। एक्चुअली को पैसेंजर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, उन्हीं को सी ऑफ वगैरह करा था, उसमें डिपार्चर का टाइम हो गया। स्टेशन में समोसा कचौड़ी पकौड़ी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं स्नैक्स के नाम पे। बाकी अमूल का पार्लर है मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, और जूस कोक वगैरह ये सब चीज़ें तो आसानी से आपको मिल जाएंगी। बाकी राजकोट से आपको ओखा की लाइन मिल जाएगी, हप्पा जामनगर भावनगर सॉरी भावनगर नहीं हप्पा जामनगर की लाइन मिल जाएगी। और जो लोग राजकोट से हो कमेंट सेक्शन से लिखिए ज़रूर, मैं पहले भी आ चुका हूँ राजकोट सिटी के बाहर, मैंने खाना पीना भी खाया था, मतलब रोड साइड फूड भी अच्छा है, बाकी दाल पकवान भी यहाँ मिलता है। जो लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। यहाँ पे हप्पा जामनगर वाली जो लाइन है हमसे अलग होती है, हम लोग वेरावल सोमनाथ वाली लाइन के ऊपर जा रहे हैं। गर्मी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसलिए थोड़ी भलाई है कि अंदर ही रहें, वरना टेम्परेचर ठंडा गर्म होते होते तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ सोमनाथ से जबलपुर की ओर जाने वाली गाड़ी के साथ ये क्रॉसिंग हो रही है राजकोट के आउटर पे ही। राजकोट शहर के अंदर ही हम लोग छोटे से स्टेशन पहुंचे हैं, जहां लोग आते हैं छोटे छोटे गांवों से, लोग यहां आते हैं इलाज करवाने के लिए एक्चुअली राजकोट में। तो यहां हमारे सब्सक्राइबर भाई आए हैं भक्ति नगर। हाँ हाँ हाँ, जस्ट मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर की और यहां पे अपने भाई लोग मिलने आ गए। कैसे हो भाई? कैसे हो भाई, बहुत दिन से मौका मिल रहा था। नहीं मैं भी इसीलिए पोस्ट डाला, मैंने कहा पोस्ट डालता हूँ शायद आप लोग को अपडेट मिले। यही मैं दौड़ता दौड़ता आया। अच्छा वो पोस्ट देख के मौका। हां सर यही वाकन है, आपने लोकेशन आपने लोकेशन डाला। आपका नाम क्या है? निखिल पंड्या। निखिल, और आप? मैं सर वंदन। मेरा वंदन। निकल अच्छा लगा यार मिल गया। एक्चुअली मैं लेट गया था राजकोट, बहुत थक गया। बहुत दिन से राजकोट निकल रहे हैं, लेकिन मिलने का बैक टू बैक रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर अब मेरे को याद है भक्ति नगर में इन्होंने शायद मेल किया था यार, मेल किया था। नहीं नहीं उठना है, वापस उठ के बाहर आया। मैं इन लोग से बात कर लेता हूँ, आप लोग से जल्दी मिलता हूँ। बाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। वांकानेर में इंस्टाग्राम में शेयर किया और राजकोट में इतने लोग आए, भाई बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। सच में मतलब गर्मी में बाहर निकलना यही बड़ी बात है, आप लोग यहाँ तक आए रेलवे स्टेशन तक, बड़ी बात है मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं और किसी से मुलाकात होती है इस रूट में। फिलहाल अपनी ट्रेन चल चुकी है भक्ति नगर से, भी पहुँचेंगे जूनागढ़ वेरावल सोमनाथ। अभी अपनी ट्रेन जस्ट गोंडल जंक्शन से निकली और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बटरस्कॉच आइसक्रीम मिल गई मेरी पर्सनल फेवरेट, और साथ में अमूल का केसर मिल्क, तो इसे भी ट्राई किया जाएगा। खैर इसलिए बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि गर्मी ठंडी का असर हो सकता है, पर हाँ गर्मी देखते ही मतलब पहला मन किया कि आइसक्रीम खा ली जाए। तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, फिर आप लोग से आने वाले स्टेशन पर मिलेंगे। ये जो रूट जिसमें आप ब्रॉड गेज की लाइन अभी जाते हुए देख रहे हैं, यही पहले मीटर गेज के ट्रैक्स हुआ करते थे, जहाँ पे अब प्लेटफॉर्म वगैरह तोड़ के इनको ब्रॉड गेज का बना दिया गया है। हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी जैतलसर जंक्शन। दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं अभी जैतलसर जंक्शन, यहाँ से एक रूट पोरबंदर की ओर निकल जाता है। वैसे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं सोमनाथ वाली लाइन की ओर, इसके बाद जो अगला जंक्शन है वो है जूनागढ़ जंक्शन।
वहाँ से भी मीटर गेज रूट हुआ करता था और अभी है भी। जूनागढ़ से सासनगिर होते हुए दिलवाड़ा के लिए भी मीटर गेज ट्रेन चल रही है, अमरेली के लिए भी चल रही है। ये एक लकी बात है, इसी के लिए मैं आया हूँ एक्चुअली। अब वहाँ जाऊँगा जब मैं सोमनाथ ना, वहाँ से वेरावल आऊँगा, फिर मीटर गेज की कोई ना कोई रूट को कवर करके ही लौटूंगा इस बार, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और बाकी बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है पेड़ों से घिरा हुआ। पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मीटर गेज का कंप्लीट हुआ करता था, जो कि अब ब्रॉड गेज हो चुका है। और ये भावनगर डिवीजन के अंदर आने वाला स्टेशन है। पोरबंदर वाली लाइन तो अलग हो जाती है, यहाँ से हम सोमनाथ वाली लाइन पर बढ़ेंगे और एक और लाइन जल्दी आपको यहाँ से भावनगर तक देखने को मिलेगी। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है इसका यहाँ पे, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, पर वैसे देखा जाए तो लेट आई है इसलिए 2 मिनट रुकेगी, वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है इसका यहाँ पे। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में। तो यहाँ खूबसूरत से जेतलसर जंक्शन से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पोरबंदर जाने वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है, इससे अगर ट्रेन सीधा चली जाएगी तो पोरबंदर, और अभी हम लोग बनने वाले हैं जूनागढ़ सोमनाथ वाली लाइन पे। इस रूट में तो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ है, बस सेमाफोर सिग्नल्स हट चुके हैं। देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है, डबल कर्विंग। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट रूट। वहां पहाड़ के ऊपर मुझे गिरनार के पर्वत में मंदिर दिखना शुरू हो चुका है, और सामने खूबसूरत से गिरनार पर्वत। कुछ ही समय में हम लोग जूनागढ़ पहुंचने वाले हैं। चुके हैं जूनागढ़ जंक्शन, जो कि अपने जूनागढ़ फोर्ट के लिए मशहूर है। वैसे तो जूनागढ़ का मतलब ही होता है पुराना किला, यानी ओल्ड फोर्ट, इसी से इस जगह का नाम भी पड़ा है। जूनागढ़ को मणिपुर, चंद्रकेतपुर, नरेंद्रपुर ऐसे बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। हेलो इंस्टा पोस्ट वहीं से भाई, नाम क्या आपका? मेरा राजेंद्र। जिग्नेश इंस्टा मैसेज किया था पर्सनल में। अच्छा अच्छा, नहीं वो वहाँ ज्यादा मैसेज आते देख नहीं पाता, लेकिन इसलिए पोस्ट डाला था कि जो लोग इस रूट पे उनसे मुलाकात हो जाए। मीटर गेज ट्रेन अभी, हाँ भाई स्टेशन पे आ गए, थैंक्स अ लॉट आने के लिए। मीटर गेज की ट्रेन मतलब बहुत पसंद है मेरे को, तो वो देखने को मिल गई। तो ये भाई लोग आए थे अपने यहाँ पे मिलने, और गिरनार की यात्रा और जैन मंदिर भवन के लिए जाने के लिए आपको भाई यहीं जूनागढ़ में उतरना है। और पता है मेन चीज़ जिसके लिए मैं आया था वो यहाँ पे खड़ी है खूबसूरत सी। वेरावल से अमरेली, अमरेली से जूनागढ़, इन्हीं रूट्स में चलती है मीटर गेज ट्रेन। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे, और इसमें जल्दी जर्नी भी करेंगे, हो सकता है वो जर्नी आपको इस जर्नी से पहले ही देखने मिल जाए। पहले भी हमने मीटर गेज ट्रेन में सफ़र किया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से प्यारे प्यारे से ट्रैक्स हैं। और ये सामने की ओर निकल जाते हैं विश्वदार जंक्शन की ओर, जहाँ से एक रूट अमरेली, एक रूट निकल जाता है सामने तलाला जंक्शन की ओर।
अब जाके मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो टारगेट था ना, डीजल रूट तो आपको दिखा ही पा रहा हूँ और अपनी मीटर गेज ट्रेन भी दिखा ली आप लोगों को, बस खुशी मिल गई। अभी आगे वेरावल जब पहुँचेंगे ना, तो वो तो बहुत बड़ा जंक्शन ही है मीटर गेज ट्रेन का, वहाँ बहुत सारी मीटर गेज ट्रेन देखने को मिलेंगी। पर ये देखना कि ब्रॉड गेज जहाँ हमारा अराइवल होगा वहाँ से मतलब वो प्लेटफॉर्म के बीच में कोई गाड़ी ना खड़ी हो, वरना ट्रेन्स तो आपको बहुत देखने को मिलेंगी वहाँ पे वेरावल जंक्शन पे। बहुत बड़ा जंक्शन है, दिलवाड़ा के लिए, अमरेली के लिए, जूनागढ़ के लिए, सब जगह के लिए मीटर गेज ट्रेन्स मिलती है वहाँ से, अभी भी चल रही है। तलाला की ओर जाने वाला मीटर गेज ट्रैक भी आज का है। यहाँ हम लोग फाइनली पहुँचे हैं वेरावल। 5:06 का अपना टाइम था, लेकिन यहाँ पे 5:16 पे पहुँच चुके हैं। खैर थोड़ा ही डिले हुआ है डिपार्चर पे। आपको मीटर गेज के ट्रेन्स और लोकोमोटिव सब दिखाने वाला हूँ मैं। बाकी यहाँ पे फिलहाल आप देख लो कि गुड्स का एक जो यहाँ पे देखिए मीटर गेज का एक मालगाड़ी का डिब्बा, बाकी पैसेंजर एक तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। मतलब एक किस्मत की बात है कि आपको ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है आज। और वहाँ पे एक पेट्रोलियम टैंकर जो कि मीटर गेज का है। बहुत ही बड़ा जंक्शन हुआ करता था वेरावल मीटर गेज ट्रेन के लिए, खैर अभी भी है, लेकिन आज जो मीटर गेज ट्रेन है सारी वेरावल से ही शुरू होती हैं। डिपार्चर में लोकोमोटिव भी मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर गेज की ट्रेन मतलब देख के ही खुशी मिल गई मेरे को तो। आज दिन बन गया अपना, पूरे दिन भर की थकान उतर गई इनको देख के। और फाइनली हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। और मीटर गेज की ट्रैक्स का ये डेड एंड पॉइंट। Finally reaching the last station of India. इसीलिए सोमनाथ को लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, देखिए उसके आगे ट्रेन्स जो है वो नहीं जाती हैं। अपनी भी जो ट्रेन है यहाँ पर रिवर्सल लेके वापस जा रही है, क्योंकि आगे जो ट्रैक्स हैं वो नहीं गए हुए हैं, तो हमारी भी ट्रेन अब यहाँ से वापस लौट जाएगी। दोस्तों सोमनाथ आने का जो अपना मेन उद्देश्य था वो था सोमनाथ का खूबसूरत सा मंदिर आपको दिखाना, जो कि गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। ये मंदिर है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। माना जाता है कि भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से जो पहली ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, और हम लोग भी काफ़ी खुशनसीब हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए और आपके साथ यहाँ दर्शन कर सकें।
फाइनली यहाँ 437 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया सोमनाथ पहुँच चुके हैं। कैसा लगा आपको मेरे साथ ये सफ़र, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु। और भाई जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोग को ऑल इंडिया घुमाता रहता हूँ। लास्ट स्टेशन तो ये पहला, ऐसे में बहुत सारे लास्ट स्टेशन इंडिया के आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जो कि हर कोने में, क्योंकि अपना इंडिया बहुत बड़ा है, तीनों ओर समुद्र से घिरा है, तो बहुत सारे लास्ट स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग पुरी जा चुके हैं, विशाखापट्टनम जा चुके हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, बहुत सारी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किए। मिलूंगा जल्दी ही ऐसी और वीडियोज़ में और धमाकेदार जर्नीस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।